नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे फिनो पेमेंट बैंक का कैश डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और लाइक वाले बटन को भी दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इन्होंने हमारे पास अपना अकाउंट ओपन करवाया था तो आज आए हैं ये कैश डिपॉजिट करने के लिए। तो चलिए आज हम फिनो पेमेंट बैंक में कैश डिपॉजिट कैसे करते हैं। अपने लैपटॉप का स्क्रीन पे आना है और यहाँ फिनो पेमेंट बैंक का पोर्टल ओपन करना है। यहाँ यूजर आईडी और मर्चेंट आईडी आपके पास जो है वो यहाँ टाइप कीजिए। चलिए हम अपना यूजर आईडी टाइप कर दे रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। हमने अपना पासवर्ड पहले से ही टाइप करके रखा है। चलिए सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दे रहे हैं। फिनो पेमेंट बैंक का पोर्टल कुछ इस प्रकार ओपन होगा। डैशबोर्ड उसका कुछ इस प्रकार शो होगा। चलिए हमने जिनका अकाउंट ओपनिंग किया है उनका अकाउंट हम तीन तरह से चेक कर सकते हैं। पहला मोबाइल नंबर, दूसरा अकाउंट नंबर, तीसरा कस्टमर आईडी। तो चलिए हम इनका मोबाइल नंबर से अकाउंट चेक कर रहे हैं। यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर हम डाल दे रहे हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओनली वॉकिंग लिखा है तो इनका अकाउंट कौन सा है सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सर्विस रिक्वेस्ट, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, फिनो टू फिनो, फिनो टू अदर, फास्ट टैग, इंश्योरेंस और मिनी स्टेटमेंट। तो चलिए आज हम इनका कैश डिपॉजिट करेंगे। तो कैश डिपॉजिट पे हम क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इनके पास जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे टाइप करना है। चलिए हम दूसरा इनका मोबाइल नंबर टाइप कर दे रहे हैं। दूसरा मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है कितना आपको कैश डिपॉजिट करना है। चलिए अमाउंट भी डाल दे रहे हैं हम। उसके बाद चार्ज पे क्लिक करना है तो चार्ज ₹0 है। उसके बाद यहाँ पे जो कैश डिपॉजिट करने आए हैं उनका यहाँ पे आप नाम टाइप कर सकते हैं। चलिए हम उनका ही नाम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं। उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर टाइप किया उस नंबर पर एक OTP जाएगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर हमने दिया था उस मोबाइल पे एक OTP गया है। चलिए हम OTP का वेट करते हैं। दोस्तों हमारे पास OTP आ गया है, हम OTP टाइप कर दे रहे हैं। OTP टाइप करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे इनका कैश डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे शो कर रहा है अमाउंट क्रेडिट सक्सेसफुली, इनका मतलब खाते में कैश डिपॉजिट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। इनका जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर था उस पर भी मैसेज चला गया है और जो ये जिस नंबर से अकाउंट ओपनिंग करवाए थे, जो मोबाइल नंबर इनका रजिस्टर है अकाउंट में, उस मोबाइल नंबर पर भी इनका मैसेज चला गया है।
चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के लिए धन्यवाद।